स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला चैप्टर क्लास 9 की केमिस्ट्री से, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, व्हाट इज इट्स नेचर स्ट्रक्चर एंड व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट कंडीशन। केमिस्ट्री वो शाखा है साइंस की जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, उसका नेचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है और कैसा कैसा बदलाव देखने को मिलेगा अगर हम मैटर को अलग अलग कंडीशन में पुट करते हैं। फिर इसके बाद है मेनी थ्योरीज वेयर प्रपोज्ड रिगार्डिंग मैटर, बहुत सारी थ्योरीज आई हैं किसके रिगार्डिंग में, मैटर के रिगार्डिंग में, विच हेल्प अस टू डिस्कवर द रियलिजेंस ऑफ मैटर। तो इससे हमको कि रियलिटी पता चली है, रियलिजेंस पता चला है मैटर का। बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इन एनी स्टेट इज कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूल, जो सबसे छोटा बेसिक यूनिट होता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। दिस इज बिकॉज मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है वही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे H2O, तो H2O क्या हो गया तुम्हारा, एक मॉलिक्यूल है। फिर इसके बाद प्योर सब्सटेंस क्या है, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्योर सब्सटेंस, ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ इट आर मेड अप ऑफ टू ऑक्सीजन एटम्स एंड वन कार्बन एटम। प्योर सब्सटेंसेस किसको कहते हैं, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कंपाउंड का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल से, कार्बन के एक और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा उसी से थोरोली बना हुआ है, इसीलिए एक ऐसा सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद द मॉलिक्यूल मे कंटेन सिमिलर एटम और डिसिमिलर एटम, अ प्योर सब्सटेंस इन विच अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड आर कॉल्ड एलिमेंट। तो एक मॉलिक्यूल जो है ना कभी कभी सिमिलर या डिसिमिलर एटम का बना होगा, तो प्योर सब्सटेंस कैसा होता है जो सिर्फ एक तरह के मॉलिक्यूल का बना हुआ हो, है ना, एक एटम का सेम काइंड के, तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। अब एलिमेंट क्या है, एलिमेंट सिंपल और प्योर फॉर्म होता है मैटर का, सिंपल और प्योर फॉर्म होता है मैटर का, जिसको कि डिस्टिंग्विश हम नहीं कर सकते हैं या डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है किसी फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में, है ना। जैसे कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, है ना, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट कैसा है, एलिमेंट ऐसा है कि अगर कोई एलिमेंट, अगर हमने कॉपर उठाया तो उसका हर एक मॉलिक्यूल कॉपर ही होगा, फर्दर किसी और में वो डिस्टिंग्विश नहीं होगा, ठीक है। All element are made up of atoms, the smallest particle of element which represent all the properties of element. सारे element जो होते हैं वो atom के बने हैं, और atom क्या है, smallest particle है जो कि property बताता है element की। अब यहाँ पर definition दी हुई है, an atom is the smallest particle of element which may or may not exist independently. ये हो सकता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे या फिर जो है हो सकता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करे, वो एटम पे डिपेंड करता है। जैसे कि तुम्हारा नोबल गैसेस होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक यानी सिंगल होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में नहीं होते, क्यों, क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा होता है, अनरिएक्टिव होते हैं इसलिए। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिंगल फॉर्म में भी मिलते हैं। तो नंबर ऑफ एटम जो एक मॉलिक्यूल के अंदर रहता है उसको कहते हैं एटोमिसिटी। तो अब बात करें जैसे कि ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल, तो इसकी एटोमिसिटी 3 हो गई, उसी तरीके से H2 इसकी एटोमिसिटी 2 हो गई। अब यहाँ पे दिया है तो इसी तरह से इसको कैटेगराइज करते हैं 3 में, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। ट्राई भी होता है, पॉली लिख दिया है, पॉली मतलब मेनी, मेनी में सब आ जाएगा, ट्राई और फिर क्वाड फिर ऑक्टेट सब आ जाएगा, 8 भी होता है, 4 भी होता है, सब आता है। मोनो एटॉमिक कौन से होते हैं, जो इकलौते, तो देखो ऐसे मैंने अभी एग्जांपल बताया ना नोबल गैसेस, तो हीलियम है, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सब का जो है एक ही एटम होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसीलिए इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है। अब जैसे कि एटॉमिसिटी जो मेटल की, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, इसकी भी 1 लेते हैं। एटोमिसिटी एलिमेंट ऑफ कार्बन इज 1, कार्बन का भी एटोमिसिटी कितना है, 1 है। दस नोबल गैसेस मेटल और कार्बन ये सब कैसे हैं, मोनो एटॉमिक।
डायटॉमिक में एग्जांपल बताया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम है, दो नाइट्रोजन के एटम है, क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, रिएक्टिव हुए, इसलिए। ऐसा ही ट्राई एटॉमिक में देखो, ओजोन का बताया, ओजोन में ऑक्सीजन की तीन मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में यानी कि चार होगा उसमें, है ना, यानी कि चार एटम पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ में कंबाइन करेंगे ताकि एक मॉलिक्यूल बने, दैट इज फॉस्फोरस P4। ऐसे ही ऑक्टा भी है, पॉली का मतलब सब दे दिया ना, तीन चार पांच छह सब दे दिया, तो उसमें ऑक्टा का भी एग्जांपल दिया है सल्फर का, यानी सल्फर के एक मॉलिक्यूल में आठ एटम कंबाइन होते हैं सल्फर के। मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैज द कैपेसिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कहा ना एटम कुछ रिएक्टिव होते हैं अनरिएक्टिव, तो ये रिएक्टिव वालों अनरिएक्टिव वालों में तुमने देखा कि इकलौते मिलते हैं मोनो एटॉमिक वाले हो गए, बाकी जितने हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो किसी और के साथ कंबाइन कर लेते हैं और कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल बनाते हैं तो खुद से ही कंबाइन कर लेते हैं, जैसे O2 हुआ N2 हुआ H2 हुआ, तो इसी तरह से सल्फर का है आठ एटम कंबाइन करता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है। When atom or molecules of different element combine chemically in fixed ratio, they form a molecule or compound. जब atom जो है different element का combined करेगा fixed ratio में, तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा एक compound. जैसे कि sodium chloride. अभी देखो proportion में sodium और chlorine जो है fixed proportion में mix हो गया, तो क्या बनाया? एक compound बनाया. तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है? पूरा एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर सोडियम का एटम भी है और क्लोरीन का एटम भी है। ऐसे ही वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल है ये एक, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम है एक ऑक्सीजन के, है ना, ये इसका सिंपलेस्ट पार्ट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे ही तुमको दिया हुआ है अमोनिया का, एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन के एटम्स हैं। टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म मिक्सचर, अब दो या दो से ज्यादा तरह के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर बनता है। अब मिक्सचर में इंक्लूड कंस्टिट्यूएंट एज एलिमेंट एंड एलिमेंट एंड अ कंपाउंड और ओनली कंपाउंड, मिक्सचर में सब हो सकता है, एलिमेंट हो सकते हैं या फिर एलिमेंट कंपाउंड हो सकते हैं या सिर्फ कंपाउंड्स का बना हो सकता है। मिक्सचर होमोजीनियस भी होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसमें रहता है, या फिर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें होमोजीनियस आपने पढ़ा होगा, तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे, ट्रू सॉल्यूशन की तरह, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है? जैसे कि तुमने पानी के अंदर मिट्टी मिला दी, तो वैसा हेट्रोजीनियस यानी कि दो फेज दिखता रहता है, इसके अंदर ना पूरा जो है अच्छे तरीके से डिजॉल्व नहीं होता है, है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बल्कि थोड़ा देर छोड़ दोगे तो बल्कि सारी मिट्टी क्या हो जाएगी, सेटल डाउन होकर नीचे चली जाएगी। अभी यहां पे इसके बाद क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनियस है ना, नमक पानी, और मडी वाटर दे दिया हेट्रोजीनियस है। द नेम ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड आर एब्रीविएटेड बाय यूजिंग सर्टेन सिंबल्स एंड फॉर्मूले, अब जो नेम है एलिमेंट का और कंपाउंड का वो एब्रीविएट किया गया है सिंबल और फॉर्मूले को यूज करके। 1600 AD से पहले जो एल्केमिस्ट थे वो ट्राई कर रहे थे रिप्रेजेंट करने को सब्सटेंसेस दैट दे यूज्ड फॉर देयर एक्सपेरिमेंट बाय डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्टोग्राफिक सिंबल। तो पहले 1600 AD में क्या कर रहे थे लोग, जो केमिस्ट वगैरह थे, वो अपने सारे के सारे जो भी वो एलिमेंट यूज करते थे ना, तो उसको हम लोग वो लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते थे, जैसे कि ट्रायंगल अर्थ के लिए, क्रिसेंट मून के सिल्वर के लिए, और डेल्टन यूज किया जाता था अदर टाइप ऑफ सिंबल के लिए, जैसे कि एक सर्कल ऑक्सीजन के लिए, और फिर सर्कल के अंदर डॉट किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन फास्फोरस इन सब के लिए देखो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, लेकिन सिंबल जो है ना तुम खुद से देखो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना है ना कॉम्प्लिकेटेड। तो सिंबल्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने ये लिमिटेशन भी नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स तो और भी ज्यादा डिस्कवर होने लगे होते गए। तो यहाँ पे लेटर जॉन जैकब बर्जिलिस सजेस्टेड दैट द इनिशियल लेटर ऑफ एन एलिमेंट रिटेन इन कैपिटल शुड रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट सच एज O फॉर ऑक्सीजन H फॉर हाइड्रोजन एंड C फॉर कार्बन एंड सो ऑन, बट इन सम केसेस द सजेस्टेड सिंबल डिड नॉट एग्री विद द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, दिस वॉज बिकॉज सम ऑफ द सिंबल वेयर बेस्ड ऑन लैटिन नेम्स और अदर लैंग्वेज नेम्स ऑफ द एलिमेंट एज शोन इन द टेबल।
तो जो जॉन जेकब बर्जिलिस थे उन्होंने कहा कि भाई कैपिटल लेटर सबका इस्तेमाल कर लो, ऑक्सीजन के लिए ओ, हाइड्रोजन के लिए एच और कार्बन के लिए सी। तो ऐसा सबके लिए नहीं हो पाया क्योंकि कुछ ऐसे भी नाम थे जो कि लैटिन नेम में उनका पहले ही से यूज किया जा चुका था। जैसे गोल्ड के लिए ऑरम है तो एयू पहले ही एयू है, तो इसलिए देखो तीन तरीके से यूज किया गया। However, the method suggested by him laid the basis. तो लेकिन किसी तरह से वो basis बना और International Union of Pure and Applied Chemistry System में ये chemical symbol और formula में जो है ये basis बना कि इस तरीके से नाम वगैरह लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ना, naming shortcut में कहें तो तीन तरीके से है। पहला तो capital letter से है, फिर उसके बाद पहला capital, दूसरा small letter से है, और इन सब के बावजूद अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या किया गया है, पहला तो फिर उसके लैटिन नेम से नाम उठाया गया है। जैसे पोटेशियम का कैलियम होता है तो के उठा लिया गया, जैसे सोडियम का नाइट्रियम होता है और नाइट्रोजन के लिए भी एन उठा लिया गया, तो लैटिन नेम में से ही एक कैपिटल एक स्मॉल उठा लिया गया। यानी तीन तरीका अपनाया गया है, ठीक है। तो तीन तरीके से अब यहाँ पे सबका देखो लैटिन नेम से जो जो नेम लिए गए हैं वो सब दिए हुए हैं यहाँ पे। अब सिंबल क्या होता है, सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म दैट स्टैंड फॉर द एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट और द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का नाम बड़ा है तो छोटा सा सिंबल, जैसे सी लिख दिया तो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया एलिमेंट को। ये एब्रीविएशन भी कह सकते हो, या फिर यहां दिया हुआ है एग्जाम्पल, ईच एलिमेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल विच इज यूजुअली द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम इन इंग्लिश और लैटिन, ठीक है, या तो लैटिन या तो इंग्लिश नेम से पहला नाम उठाते हैं। जैसे सल्फर एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एस, सिमिलरली हाइड्रोजन डिनोट किया जाता है एच के द्वारा। हाउएवर जब फर्स्ट लेटर या मोर देन वन एलिमेंट का सेम हो जाता है तो एलिमेंट जो है उनका नाम डिनोट किया जाता है दो लेटर से, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल बता दिया हमने। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कार्बन कोबाल्ट और ये कार्बन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, कैल्शियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, क्लोरीन है, ये एलिमेंट है, सब सी से शुरू होते हैं। तो इसीलिए देखो कार्बन के लिए सी यूज हो गया, और उसके बाद कोबाल्ट के लिए सीओ यूज हो गया, कॉपर के लिए उसके लैटिन नेम से सी यू ले लिया हमने, कैल्शियम के लिए हमने सी ए ले लिया, कैडमियम के लिए सी और डी ले लिया, कैल्शियम यूज हो गया था, तो क्रोमियम के लिए सी और आर यूज कर लिया हम लोगों ने। अच्छा अब यहाँ पे दे रहा है बी केयरफुल अबाउट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, क्यों, क्योंकि देखो सी कैपिटल और ओ स्मॉल तो इसका मतलब कोबाल्ट होता है, और सी कैपिटल ओ कैपिटल का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अ सिंबल इज नॉट मेयरली एन एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट बट ऑल्सो सिग्निफिकेंस। सिंबल सिर्फ नाम नहीं होता है कि बस एब्रीविएशन यूज कर दिए कि उसके नाम की जगह पे एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, बल्कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है एक सिंबल, एलिमेंट का नाम दिखाता है शॉर्टकट में, एक एटम दिखाता है एलिमेंट का, डेफिनेट मास दिखाता है जो कि उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा जो ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। अब इसका एग्जांपल भी नीचे दिया हुआ है, जैसे नाइट्रोजन के लिए स्टैंड करता है एन, तो एन का मतलब हुआ नाइट्रोजन, एन का मतलब वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो एक एटम है अगर नाइट्रोजन का, एन टू लगा देते तो दो एटम हो जाता, मॉलिक्यूल हो जाता फिर, तो एन का मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन है। अब यहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं कुछ कॉमन एलिमेंट के जो आपको पढ़ने हैं। वैलेंसी क्या होती है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विद अदर एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही वैलेंसी कहते हैं, है ना। ये दो तरीके से होती है, या तो गेन करेगा एक एलिमेंट या तो दूसरा एलिमेंट लूज करेगा, है ना। तो वैलेंसी हम पढ़ेंगे। वैलेंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट कैन कंबाइन विद इट। तो वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन एटम या हाइड्रोजन एटम जितना उसके साथ कंबाइन कर सकता है। सिंस नो अदर एलिमेंट हैज कंबाइनिंग कैपेसिटी लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, इट्स वैलेंसी इज टेकन टू बी वन। तो देखो हाइड्रोजन से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस तो कोई है नहीं, सबसे हल्का यही है, इसकी वैलेंसी वन है, अरे इसकी इसीलिए वैलेंसी वन लेते हैं हम लोग, और ये स्टैंडर्ड है। अब लेकिन ये तो पुराना डेफिनेशन था, ट्रेडिशनल मॉडर्न डेफिनेशन क्या है वैलेंसी की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक एटम लूज कर सकता है या गेन कर सकता है शेयर करने के टाइम में केमिकल रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। आगे हम देखेंगे भी और अच्छे से। इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहरी शेल में, सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसी से पता चलता है कितना लूज होगा कितना गेन होता है, तो वहीं से वैलेंसी निकलती है हमारी।
डिफाइन किया है, एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन हैज वन यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड ईच प्रोटॉन हैज वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज न्यूट्रल. एवरी एटम नॉर्मली कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच बैलेंस द चार्जेस इन द एटम एंड मेक एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. If one or more electron are either removed from an atom or added to an atom, then the atom has either less number of electron than normal or more number of electron than normal, and it gets an overall electric charge. The atom becomes ion. समझाने की बात कह रहा है कि किसी भी एक atom के अंदर तीन है सब एटॉमिक पार्टिकल. प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस का पार्ट है, और उसके बाद चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन है. प्रोटॉन निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसका चार्ज जीरो है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है. कहना क्या चाहता है कि हमेशा प्रोटॉन का नंबर इक्वल रहता है इलेक्ट्रॉन के नंबर से, तो इसीलिए एटम कोई भी न्यूट्रल हमेशा न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, है ना. एटम जो है न्यूट्रल स्टेट में रहता है, लेकिन अगर एटम ने कुछ लूज किया तो एटम कैसा होता है, ये रहा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं, फिर ये रहा एक शेल, फिर एक रहा इसका दूसरा शेल, तो ये दो बना दिया, मान लो इसके अंदर एक दो तीन है. अब तीन है तो ये क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है. और अगर यही सात रहता, दो दो चार दो छः एक सात, तो ये एक कहीं से गेन करता, तो अगर ये गेन कर लेगा तो जो इक्वल है ना नंबर, जैसे कि ये किसका बनाया हमने, टू और सेवन का बनाया है ना, एटॉमिक नंबर कितना था इसका, 9 था एटॉमिक नंबर. अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.7 हुआ, ठीक है. अब 2.7 हुआ तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बस ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया. तो प्रोटॉन इसके पास जब 9 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन का मतलब 9 हुआ, 9 पॉजिटिव चार्ज. शुरुआत में इलेक्ट्रॉन भी कितना रहा, सिर्फ 9 निगेटिव चार्ज रहा, तो न्यूट्रल था. लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले लिया तो ये न्यूट्रल के बाद ये निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, और यही क्या कहलाता है, एटम फिर क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा. क्या कहलाएगा, आयन. अच्छा, निगेटिव ज्यादा हो गया तो आयन कहलाएगा. ऐसे ही केसेस में अगर 2.1 है किसी का, तो ये अगर 1 लूज कर देता है तो प्रोटॉन कितने हैं, 3 हैं अभी, 3 पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं, 3 निगेटिव चार्ज. अब यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सिर्फ 2 निगेटिव चार्ज बचे, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो 2 निगेटिव चार्ज 3 पॉजिटिव चार्ज, 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव से मिलके क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, लेकिन फिर भी एक चार्ज बचा रह जाएगा, तो ये जो एक्सेस चार्ज है ना यही दिखाई देगा, यानी एलिमेंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. यहाँ समझाया हुआ है, एन आयन इज पॉजिटिवली और निगेटिवली. आयन दोनों तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन. तो देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हो गया वो कैटायन हो गया, और जो निगेटिव चार्ज हुआ वो एनायन हो गया. आयन निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर फॉर्मड बाई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. तो आयन क्या होता है, पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज एटम होता है जो फॉर्म होता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बाई एटम या ग्रुप ऑफ एटम से. ये लॉस और गेन होता क्यों है, क्योंकि सब अपने आप को ऑक्टेट बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, या तो ड्यूएट में या तो ऑक्टेट में. ड्यूएट किस लिए, क्योंकि ड्यूएट वो पहला जो है शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन अपने आप को ड्यूएट बनाने की कोशिश करता है, यानी सबसे नजदीकी नोबल गैस के करीब पहुंचने की कोशिश करता है हीलियम के. अब सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2.8.1 है तो लूज कर देगा मोनोवेलेंट. ऐसे ही अगर कोई 2 लूज कर रहा है, मैग्नीशियम जैसे 12 है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 282, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो डाइवेलेंट. ऐसे ही एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट. अब चार्ज होता है ना लूज नहीं करता, वो क्या करता है, शेयर करता है. अब यहां नोट में दिया है, एलिमेंट विथ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी वैलेंस शेल में, सबसे बाहरी शेल में, आर यूजुअली मेटल. जिसका 1, 2, 3 है वो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल है. आउट ऑफ द एलिमेंट दैट है 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट. अब देखो जिसका 4 है ना सबसे बाहरी शेल में, तो कार्बन जैसे कि एक नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम ये मेटलॉइड है, और रेस्ट जो है मेटल कहलाते हैं. एलिमेंट जैसे कि 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका क्या कहलाएगा, वो कहलाएंगे नॉन मेटल.
एटम्स विद 6, 7, 6 एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, ये जो 5, 6, 7 वाले हैं ना, ये गेन करते हैं, ये लूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्लोरीन का 17 है, 287, तो 7 में कितना चाहिए, एक चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये एक गेन कर लेगा, तो ये भी मोनोवेलेंट। ऑक्सीजन का 2 का कमी है तो 2 गेन कर लेगा, डाइवेलेंट। 4 से ज्यादा है तो गेन करेगा, 4 से कम है तो लूज करेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, 4 से ज्यादा 5 है तो 3 गेन कर लेगा, ट्राइवेलेंट। अब इनके ऊपर चार्जेस कैसे आएंगे, निगेटिव, यानी ये सारे के सारे कैसे हैं, एनायन। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ऑफ अ रेडिकल। जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की या फिर रेडिकल की, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है जो कंबाइन होगी या फिर डिस्प्लेस करेगी किसी एक एटम को उस एलिमेंट के या फिर रेडिकल के। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 1 एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन करेगा किसके साथ, सिर्फ 1 एटम ऑफ क्लोरीन, वो हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो वैलेंसी क्लोरीन की कितनी मान ली गई भाई, 1। वैसे ही एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, 2 के साथ, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ऐसे ही नाइट्रोजन अमोनिया, तो नाइट्रोजन में भी देखो 3 हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तब जाके नाइट्रोजन जो है ऑक्टेट होता है ना, स्टेबल होता है। तो इसीलिए देखो ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, 3 हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। कार्बन की बात करें तो कार्बन शेयर करता है ना, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन शेयर करता है, तो 4 हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं इसके साथ शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है, देखेंगे हम। सर्टेन एलिमेंट एग्जिबिट करता है मोर देन 1 वैलेंसी, दे शो वेरिएबल वैलेंसी। कुछ ऐसे एलिमेंट है जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। रीजन क्या है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन समटाइम लूज मोर इलेक्ट्रॉन देन आर प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ऐसे में उसका जो है एक से ज्यादा वो जो है वैलेंसी आएगी। देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेनल्टीमेट शेल टू, तो अल्टीमेट शेल जो होता है उसका, उससे भी एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। देयरफॉर ऐसा एलिमेंट एग्जिबिट करता है वेरिएबल वैलेंसी। अब यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है उसके लिए यहाँ पे रूल दिया है, अगर कोई एलिमेंट एग्जिबिट करता है 2 डिफरेंट पॉजिटिव वैलेंसीज, तो सफिक्स यूज करेंगे OUS अगर कम वैलेंसी है तो, और ज्यादा वैलेंसी है तो IC यूज करेंगे। कम वैलेंसी के लिए OUS और ज्यादा वैलेंसी के लिए IC यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल SnCl2 है, तो यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड है ना, ठीक, जिसको कि स्टेनस किसका है, टिन का है, तो टिन क्लोराइड। और अगर ये SnCl4 है तो इसको क्या बोलेंगे, देखो कम वैलेंसी थी तो अस लगाया, तो ज्यादा वैलेंसी है तो स्टेन में इक लगाएगा, स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है, या फिर टिन क्लोराइड बोलेंगे। अब ऐसे ही नॉन मेटल है, जैसे कि तुम्हारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर है, ये भी वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होते हैं एग्जिबिट करते हैं 3 और 5, वाइल सल्फर एग्जिबिट करता है वैलेंसी 2 भी 4 भी 6 भी। इसके अलावा एग्जाम्पल दिया है आयरन का भी 2 और 3 होता है, तो 2 लोअर के लिए फेरस, अपर के लिए फेरिक। देखो कॉपर में भी वैलेंसी 1 भी होती है 2 भी, तो 1 के लिए लोअर के लिए क्यूपरस और अपर के लिए हायर के लिए क्यूपरिक। ऐसे ही मरकरी का देखो, मरकरस किसके लिए, लोअर के लिए, और मरकरिक अपर के लिए, सब देख लेना आप। फिर फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या सिर्फ फॉर्मूला बोलते हैं। वहां सिंबल अलग था, फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को केमिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक। ये डिनोट करता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल को पूरा बताता है कंपाउंड के या एलिमेंट के। जैसे एलिमेंट है तो देखो ये एग्जिबिट करता है, अब ये आपका फ्री स्टेट में 2 एटम कंबाइंड रहेगा, तो ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन का, ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर का, यानी एक कंपाउंड का। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट में कंटेन 1 और मोर एटम ऑफ इट, एक मॉलिक्यूल कंटेन कर सकता है 1 या 1 से ज्यादा एटम अपना, तो दिखाई दिया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एग्जांपल में दिया हुआ है। इसके अलावा ये जो सोडियम अमोनियम क्लोराइड है, सॉरी
ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक मॉलिक्यूल अमोनियम क्लोराइड का, जिसके अंदर चार एटम हाइड्रोजन के, एक क्लोरीन का और एक नाइट्रोजन का। उसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट में सोडियम के दो एटम, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का तीन एटम डिनोट कर रहा है। ये पूरा एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ऐसा ही ये वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सिग्निफिकेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इनका, तो बोथ द मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट करता है ये। इसके अलावा रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ डिफरेंट एटम भी दिखाई देता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर किस किस एटम का वो किस किस एलिमेंट का कितना कितना एटम होता है। इसके बाद रेशियो भी बताता है कि किस रेशियो में कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में दे दिया कि कार्बन और ऑक्सीजन का दे दिया, पहले नाम दे दिया। फिर हर एक मॉलिक्यूल में देखो बता रहा है कि एक कार्बन है दो ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद जो मॉलिक्यूलर मास है टोटल 44 आएगा, क्योंकि ये 16 दुना 32 हो जाएगा और 32 और कार्बन का 12 44 हो जाएगा 44। अब बात करते हैं रेडिकल्स की। रेडिकल क्या होता है, तो जो मॉलिक्यूल और द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज यूजुअली मेड अप ऑफ टू पार्ट। जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है दो पार्ट से बना होता है ना, और सेपरेटली इनको रेडिकल कहते हैं। मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड के पास दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक पोटेशियम है, क्लोरीन है, ठीक है, और वैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम है, सल्फेट है। और रेडिकल इज एन एटम, रेडिकल एक एटम ही होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है। आयन में देखो सिर्फ एटम होता है, यहाँ रेडिकल में एटम भी और ग्रुप ऑफ एटम भी होता है ना, ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट जो बिहेव करते हैं एज सिंगल यूनिट विद पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, जो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। सिंपल रेडिकल कौन सा होगा, जब सिर्फ एक एटम पे होगा तो सिंपल रेडिकल, और जब कोई पॉली एटॉमिक रहेगा यानी कई सारे एटम हैं इसके अंदर और इसके ऊपर चार्ज है तो इसको बोलेंगे कंपाउंड रेडिकल। पॉली एटॉमिक वाले को कंपाउंड रेडिकल बोलेंगे अगर उसके ऊपर चार्ज है तो। अब यहां पे फॉर्मेशन जब हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड का, तो जो पोटेशियम रेडिकल है वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, और इसीलिए इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। जबकि क्लोरीन जो क्लोराइड जो होता है रेडिकल, ये किसके द्वारा मिल रहा है, यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। तो ये देखो क्लोरीन एसिड से मिल रहा है इसीलिए एसिड रेडिकल है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस से मिल रहा है इसीलिए पोटेशियम बेसिक रेडिकल है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेसिक रेडिकल जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल कहते हैं, और दूसरा पार्ट एसिडिक रेडिकल जो होता है निगेटिव चार्ज लेके चलता है इसीलिए इसको इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल या एनायन कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे तुमको टेबल दिया हुआ है, अब टेबल में मोनोवेलेंट दिया हुआ है, मोनोवेलेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी कि इनके ऊपर चार्ज 1 होगा, डाइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इनके ऊपर चार्ज 2+ का होगा, और ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इनके ऊपर चार्ज 3+ का, कुछ ऐसे भी हैं टेट्रावेलेंट पॉजिटिव जिनके ऊपर 4+ यानी 4 पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। इसके बाद देखो कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे निगेटिव आयंस वाले एसिड रेडिकल दिए हुए हैं, ये मोस्टली ये सारे कितने हैं ऊपर वाले बेसिक रेडिकल पॉजिटिव के साथ, निगेटिव के साथ एसिड रेडिकल होता है। अब यहाँ पे एसीटेट के लिए दिया हुआ है ये मोनोवेलेंट है, बाइकार्बोनेट है, बहुत सारे दिए हैं। डाइवेलेंट में देखो 2 निगेटिव चार्जेस कैरी करेगा, ट्राइवेलेंट में 3 निगेटिव चार्ज और टेट्रावेलेंट में 4 निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, तो ये सारे एसिड रेडिकल है या एनायन कह सकते हो। राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूला लिखने का सबसे पहला तरीका क्या है, ठीक है, टेबल में देख के समझो। दोनों को पहले एलिमेंट को साइड बाय साइड लिख लो, मैग्नीशियम को साइड में लिखा, क्लोरीन को साइड में लिख लिया। उसके बाद दोनों की वैलेंसी जो है उसके ऊपर लिख लो, इसकी वैलेंसी 2-1 लिख दिया। अब 2 और 1 वैलेंसी लिख दिया तो दोनों की वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर दो, इसकी वैलेंसी इसको दे दो, इसकी वैलेंसी इसको दे दो। अब इसके बाद अगर डिवाइड होने वाला नंबर आता हम डिवाइड भी कर देते, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता उसी को बोलेंगे हम फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। अब इसका इसमें जिसका नहीं दिया है उसका करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का करते हैं, नहीं दिया है यहाँ पे। सबसे पहले कैल्शियम लिखेंगे उसके बाद क्लोरीन लिखेंगे। अब कैल्शियम पे कितना होता है 2 होता है और क्लोरीन पे कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे इसका वैलेंसी इसको और इसकी वैलेंसी इसको, यानी कि कैल्शियम पे आ जाएगा वैलेंसी 1 और क्लोरीन पे आ जाएगा 2, तो 1 को लिखते नहीं है तो CaCl2 इसका फॉर्मूला बन गया इजिली।
बस यही समझाया है आपको। इसके बाद नीचे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हुए हैं कि कैसे कैसे सब बन रहा है। फिर उसके बाद नेमिंग दिया हुआ है। ये सब देखने की चीज है, ये सब याद हो जाएगा, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। बस एक बार पढ़ना है इसको, लर्न नहीं करना है। आप इक्वेशन वगैरह पढ़ते जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आप लर्न करते जाओगे कि कितने सारे प्रोडक्ट और कंपाउंड वगैरह फॉर्म हो रहे हैं। नेमिंग अ सर्टेन कंपाउंड, अगर एक मेटल और नॉन मेटल है तो कैसे उसका नाम रखेंगे? तो मेटल को रिटन किया जाता है पहले बाय नॉन मेटल और सफिक्स उसमें आइड यूज किया जाता है। जैसे कैल्शियम है और नाइट्रोजन है, तो कैल्शियम तो ठीक है लिख लेंगे, लेकिन नाइट्रोजन में आइड यूज करेंगे यानी नाइट्राइड, ठीक है। फिर अगर दो नॉन मेटल दिए हुए हैं तो पहले वाले में क्या करेंगे देख लेंगे। जैसे कि इसमें प्रीफिक्स ट्राई या टेट्रा या पेंटा को ऐड किया जाता है। जैसे ये देखो फास्फोरस है और तीन क्लोरीन है, तो फास्फोरस और उसके बाद क्लोरीन से पहले क्या यूज करेंगे? टेट्रा, सॉरी टेट्रा नहीं, तीन है ना, तो ट्राई, तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड हो जाएगा। वैसे ही ये फास्फोरस टेट्रा वो पेंटा क्लोराइड हो जाएगा क्योंकि पांच है, तो फास्फोरस क्लोराइड इसी तरीके से लिखेंगे। तो आइड यूज करते हैं ना, तो आइड से पहले क्या लगा लेंगे? जितना है उसको लगा लेते हैं, यानी फाइव है तो पेंटा लगा लिया और यहाँ पे तीन था तो ट्राई लगा लिया। दो एलिमेंट और ऑक्सीजन है तब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है फॉर्मूले के अक्सर एंड में होता है, तो अब यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, तो सोडियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, तो सोडियम तो ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड यूज होगा ऑक्सीजन एक है, अगर दो से कम है, एटम ऑक्सीजन के कम है, वन है, तो हम हाइपो का यूज करते हैं। सोडियम, सोडियम के बाद हाइपो, हाइपो के बाद सीएल के लिए क्या यूज करेंगे? क्लोराइड, सोडियम हाइपो क्लोराइड, है ना। सफिक्स आइट यूज करते हैं अगर ऑक्सीजन का एटम जो है आपका दो हो, नहीं तो यहाँ पे जो है ना हाइपोक्लोराइड होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आइड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सफिक्स आइट यूज होगा इसके लिए, तो सोडियम है और फिर साथ में क्लोराइड हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा? सोडियम क्लोराइड है। हाइपो क्यों यूज किया था? क्योंकि ऑक्सीजन एक से कम था, अरे सॉरी दो से कम था। यहाँ पे हाइपो क्यों नहीं यूज किया है? क्योंकि ऑक्सीजन दो है या दो से ज्यादा है, इसलिए। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन एटम देखो दो रहेगा तो सिर्फ उसके लिए, दो से ज्यादा के लिए नहीं। अगर तीन है तो एट यूज करते हैं, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है तो सोडियम क्लोरेट एट यूज कर लेंगे यहां पे, है ना। हाइपो वन के लिए, टू के लिए कुछ नहीं आइट यूज होगा और थ्री के लिए एट यूज होगा। फिर इसके बाद अगर चार है तो पर यूज करते हैं, जैसे यहां पे सोडियम है, क्लोरीन और ऑक्सीजन के फोर एटम है, तो यहां पे सोडियम हो जाएगा और क्लोरेट यूज होगा, तो क्लोरेट से पहले एट से पहले क्या यूज कर देंगे? पर यूज कर देंगे, तो पर क्लोरेट लिख दिया। एट तो मालूम था किसके लिए लिखते हैं, एट लिखते हैं तीन के लिए, तो पर क्लोरेट लिख दिया, मतलब चार ऑक्सीजन एटम है उसमें। अब इसी तरीके से एसिड का अगर हमको नाम लिखना है, तो नेम अगर लिखना है हमको एसिड का, तो HCl है जैसे यहां पे, तो HCl के लिए जो है ना हाइड्रो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? हाइड्रो, और लास्ट में क्या यूज करेंगे? एक यूज करेंगे, तो क्लोरीन वाले में एक यूज होगा और यहाँ हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो, तो हाइड्रोक्लोरिक, वैसे ही हाइड्रोफ्लोरिक, ठीक है। फिर उसके बाद एसिड जिसके अंदर रेडिकल रहेगा, पॉलीएटॉमिक रहेगा, उसके लिए हम लोग हाइड्रो यूज नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या यूज करते हैं हम लोग? सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? सल्फर है, तो सल्फर में एक यूज कर देंगे, सल्फ्यूरिक और एसिड हो जाएगा, ठीक है, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं। ऐसे ही नाइट्रोजन है तो नाइट्रिक और एसिड हो जाएगा बस, और यहाँ पे फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा बस। ट्रिवियल नेम्स यानी पुराने नेम्स, पुराने नेम्स यानी कि बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जिसके लिए पुराने नेम है, जैसे कि अरे सॉरी एसिड्स नहीं दिया है, देयर आर सर्टेन कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड है जिसके लिए कोई सिस्टमैटिक रूल नहीं है, जैसे सिस्टमैटिक रूल हम इसमें लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, इससे पहले वालों में, तो ट्रिवियल नेम यानी पुराना है और वो जो है पूरा एक्सेप्टेड है। जैसे अमोनिया के लिए नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, ट्राईहाइड्राइड यानी कि नाइट्रोजन और ट्राईहाइड्राइड यानी तीन हाइड्रोजन, जैसे कि इसको यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड या फिर डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड या हाइड्रोजन डाईऑक्साइड को हम लोग वाटर के लिए यूज करते हैं।
कैलकुलेट कैसे की जाती है? वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है? हाइड्रोजन का जैसे 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, क्लोरीन का 1 है, है ना। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि किसको कितने की जरूरत है, तो उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि कितने इसके ऊपर वैलेंसी है। हाइड्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, क्लोरीन का पता है। अब जैसे प्रोसीजर कैसा है फाइंड करने के लिए आपको वैलेंसी, आप कैसे लिखे थे नाम को, तो जैसे जैसे आपने किया था वैसे वैसे आपको उल्टा चलना है। तो नाइट्रोजन है और डाइऑक्साइड है ना। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये दो किसकी वजह से लगा है? दो वैलेंसी आई होगी नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन पे एक वैलेंसी कहां से आई होगी? ऑक्सीजन से। तो 2 और 1 लिख दिया, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ली जाती है, तो ऑक्सीजन में अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे नाइट्रोजन में भी 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नाइट्रोजन का इसका मतलब वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन का 2 है। बस इसी का जस्ट अपोजिट किया है। यहां ऑलरेडी पता होता था, फॉर्मूला लिखते थे, यहां फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले से हमने वैलेंसी उल्टा जाके पता की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल इक्वेशन में। कैसी लगी वीडियो आप बताना, और जो कमी दिखेगी वो बताओ आप, जो कमी लगेगी आप मुझे बताना, मैं आपको कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। और शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं देने हैं, इसी में मैं कोशिश करूंगा कि कम थोड़ा और ज्यादा कम टाइम में हमारा कंप्लीट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।